T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर टीम अपने अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाना चाहती हैं। लेकिन नेपाल की टीम से उनके स्टार गेंदबाज संदीप लामिछाने बाहर हैं। नेपाल के फैंस चाहते हैं कि संदीप लामिछाने को यूएसए से वीजा मिले और वो नेपाल की प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि नेपाल की टीम ने 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था और नेपाल के क्वालिफिकेशन में संदीप लामिछाने ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर्स में 9 विकेट झटके थे और वे नेपाल की टीम से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे। इतना ही नहीं, यूएई के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 14 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे और यही वजह है कि संदीप लामिछाने के नेपाल की टीम में ना होने से नेपाल के फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। और इसी के चलते काठमांडू में उनके फैंस ने संदीप लामिछाने के वीजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया ताकि वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सके। लामिछाने अभी भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए यूएसए में नेपाल की टीम में शामिल होने के लिए असमर्थ हैं क्योंकि उनका यूएसए वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था। लामिछाने को अब तक यूएसए का वीजा नहीं मिलने से लामिछाने के फैंस काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री भवन के बाहर इकट्ठा होकर संदीप लामिछाने को वीजा दिए जाने के लिए दबाव भी बनाया। साथ ही अमेरिकन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई गई। आपको बता दें कि संदीप लामिछाने एक रेप केस के मामले में सजा काट रहे थे लेकिन 15 मई को पाटन हाईकोर्ट ने काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट दिया और नेपाल के स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने को रेप के मामले से बरी कर दिया। अदालत के फैसले के तुरंत बाद ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने उसी दिन उनका निलंबन भी हटा दिया था। इससे नेपाल के स्टार लेग स्पिन गेंदबाज के लिए नेपाल की टीम में जगह पक्की करने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन 22 मई को अमेरिका का वीजा रिजेक्ट होने के बाद वर्ल्ड कप में भाग लेने की उनकी संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल की टीम अमेरिका में है। 27 मई को उन्होंने कनाडा के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेला था जहां उन्हें 63 रनों से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलने से पहले नेपाल 30 मई को अमेरिका के खिलाफ दूसरा अभ्यास मैच खेलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप के लिए संदीप लामिछाने को वीजा मिलेगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।